ये टोटल आपके पास कौन कौन सी ब्रीड है? मेरे पास 5 ब्रीड है सर अभी। फिर हाँ कौन कौन सी? न्यूजीलैंड वाइट स्वेट चिंचला ग्रे जाइन ग्रे जाइन कैलिफोर्निया और न्यूजीलैंड वाइट एंड न्यूजीलैंड रेड। अच्छा और ये वाइट वाली कौन सी है? ओ न्यूजीलैंड वाइट। न्यूजीलैंड वाइट है ओके। नमस्कार दोस्तों, मैं ओम प्रकाश अवसर। ये है खरगोश का फार्म है यानी कि रैबिट फार्म है और लोकेशन की मैं बात करूं तो ये गांव है गोजी, तहसील है कुरूद और जिला है धमतरी छत्तीसगढ़ है। और भाई साहब का नाम पूछते हैं, जो ऑनर है उनका नाम पूछते हैं। क्या नाम है? मेरा नाम अजय कुमार साहू। अजय कुमार साहू जी हैं। और ये फार्म का नाम क्या है? अज्जू रैबिट फार्म। अज्जू रैबिट फार्म कितने साल से कर रहे हैं? 6 माह से। 6 माह से कर रहे हैं। कितना खरगोश है आपके पास? मेरे पास अभी 250। 250। तो चलिए 250 खूबसूरत खरगोश के मैनेजमेंट को हम डिटेल पे समझेंगे, लेकिन उससे पहले कहूँगा अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर क्लिक कर लें, इससे आपको आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन मिलते रहेंगे। तो ये शुरू करने का इरादा कैसे आया? ये जैसे दूसरों की जगह काम करने से घर में ही काम करो, इस कारण से इस फार्म को डाला हूँ। अच्छा, और पढ़ाई कहाँ तक है? 12वीं। 12वीं पढ़े हैं, ठीक है। तो अभी इसमें से सेल का पर्पस प्रोसेस क्या है और इसको खरीदे कैसे हैं, ये पहले मेरे को समझाइए। ये जैसे कि पालने के लिए खरीदते हैं, पालने के लिए छोटा बच्चा देते हैं 30 से 35 दिन का। हाँ। और जैसे ब्रीडर के लिए उसको केजी के हिसाब से देते हैं। नहीं, आप खरीदे कैसे हैं? और मैं इसे 30,000 यूनिट में। 30,000 यूनिट का मतलब क्या होता है? और जिसमें 10 खरगोश आते हैं, 7 मादा 3 नर, और उसमें खाने का फीडर बॉक्स कटोरी ट्रांसपोर्टिंग और मेडिसिन और ट्रेनिंग सर्टिफिकेट और सब कंपनी का खर्चा है। अच्छा, कौन सी कंपनी? बाल्डर हैविड स्टॉक। कहाँ की कंपनी है? हरियाणा। हरियाणा की कंपनी है। तो वो कंपनी का टर्म एंड कंडीशन क्या है, मतलब वो कैसे आपसे माल को रिकवर वापस लेती है? वो 260 रुपये केजी के हिसाब से, वो 2 केजी का होता है ना, उसके बाद वो माल लेती वापस। अच्छा, वो मादा को लेती है? मादा ब्रीडर लेती है, सबको लेती है। 2 केजी सुपर होना चाहिए, सबको लेगी। हाँ ठीक है। उन्होंने जब आपको प्रोवाइड किया तब क्या क्या दिया था उन्होंने मेरे को? हाँ, जाली कटोरी फीडर बॉक्स और दवाई। ये दवाई नहीं, खरगोश में क्या क्या दिया था ये मैं समझना चाह रहा हूँ। खरगोश में क्या क्या दिया था जब दिया था? एक यूनिट में खरगोश में क्या क्या था? एक यूनिट में हाँ क्या क्या था खरगोश में, मतलब कितना मादा था कितना नर था, ये जानना चाह रहा हूँ। 7 मादा हाँ और 3 नर। 7 मादा और 3 नर एक यूनिट होता है। हाँ। वो आपको दिया, एक यूनिट का प्राइस आप कितना बताए? 30,000 रुपये। 30,000 रुपये में ये सारी चीज़ें आपको उन्होंने दिया था। हाँ। और अभी 2 केजी जब होता है तो कितने रुपये में खरीद लेते हैं वो? 260 रुपये। 260 रुपये में वो खरीद लेते हैं। 10% बढ़ता है इसका रेट। अभी कितने बार खरीदा है? एक बार। मान लो वो नहीं खरीदता है तब कैसे सेल करते हैं, ये समझना चाहूँगा। अगर तो ऐसा है ना कि गाँव में फीक जाते हैं, नारी है, क्रूद है, कांकर है, वो तो जगह पार्टी ने मेरे से लेता है माल। लेता है और खुले बाजार पे भी बेचते हैं, मतलब उसी के मोहताज नहीं है। हाँ। ये कह रहे हैं ना, तो जब खुले बाजार में बेचते हैं तब कैसे बेचते हैं और क्या क्या बेचते हैं, ये समझाइए। खुले बाजार में जैसे जो ब्रीडर है जो हाँ। कौन सा है ब्रीडर कौन सा है मुझे बताओ? ब्रीडर अभी तैयार नहीं है, बड़े वाला है उधर, चलाओ दिखाओ। हाँ हाँ, ये है ब्रीडर जो बड़े वाला। हाँ निकाल के दिखाओ ना ये। हाँ ये मतलब 15-20 दिन बाद ना बचत देने के लायक हो जाएगा ये। 15-20 दिन बाद? हाँ, बचत देने हो जाएगा। अगर ये नर है कि मादा है? ये मादा है। मादा मादा है। अच्छा, फीमेल है ना। हाँ। तो ये कितने दिन में बच्चा देने लायक हो जाएगा? एक महीना में। इसको कैसे बेचते हैं, कितने में बेचते हैं इसको, ये बताइए। इसका है अभी 300 से 350 रुपये किलो, मार्केटिंग देखकर 300 से 350 रुपये किलो पे इसको खुले बाजार पे बेचते हैं। अगर ये नर हो गया तो कितने में बेचते हैं और कैसे बेचते हैं वो बताइए। उसका भी रेट सेम ही है सर। सेम ही है, नर का भी सेम है। हाँ ठीक है। अगर कोई बच्चा पालने ले जाता है, जैसे बच्चे का कैसा बच्चा सेल करते हैं ये समझाओ मुझे। बच्चा भी है, ये 30 दिन का है। जरा उठा के निकाल के दिखा भाई।
ये है 30 दिन का, हाँ, से 35 दिन का, हाँ, इसका है जैसे कि खुले में लेगा ना, हाँ, तो 250 से 300 रुपया नग। अच्छा, और जैसे कि ठोंक लेते हैं ना 10 नग 20 नग, हाँ, तो जैसे पानी वाने के लिए कोई, हाँ, तो उसको थोड़ा डिस्काउंट करके दे देते हैं। अच्छा ठीक है, अच्छा ये बेचने का तरीका हुआ, ठीक है। अब इसके खान पान को जरा समझाओ, फिर कैसे से ये बना है ये भी समझूंगा मैं। खान पान को जरा समझाओ, क्या क्या खिलाते हो? सुबह दाना, हाँ, और दो टाइम पानी, हाँ, और शाम को हरा चारा। हरा चारा में क्या देते हो? जो भी भाजी घास वास, वो हाइड्रोपोनिक भी करके रखो, हाँ। हाइड्रोपोनिक भी समझेंगे इस वीडियो पर। अच्छा दाना को कैसे देते हो ये जरा समझाओ। इसमें डालो डालो डालो, अच्छा ऐसा डालते हैं, और ये बना हुआ अच्छा सिस्टम है, ये देखो इधर से बना है और ये इधर से खा लेती हैं। ओके ठीक है, इस तरीके से बना है, ठीक, ये खाने लग गई, ठीक है। ये दाना कौन सा है और कहाँ मिलता है? बस बस इतना ही डालो, कौन सा है डाल दो, इधर भी डाल दो, कौन सा है और कहाँ मिलता है? ये मिल जाता है मार्केट में, मार्केट में मिल जाता है, हाँ, जो जहाँ पशु आहार बनते हैं ना, हाँ, वहाँ। तो क्या कह के लेना पड़ता है इसको? इसको मतलब जैसे कि हम देंगे ना, ये उसका फार्मूला उस हिसाब से बनाता है, जैसे कि माल अभी आए पिथौरा से, हाँ, पिथौरा से, तो रैबिट के लिए बनाओ बोलते हो, क्या बोलते हो? हाँ, जो अपना वो है ना, क्या बोलते हैं फार्मूला इसका, जो जो डालना है जितना, क्या क्या है फार्मूला में, वही तो जानना चाह रहा हूँ, फार्मूला में क्या वो है? मक्का है, सोया फ्लेक्स है, हाँ, और बाजरा वाजरा, बाजरा मक्खी का मच्छी जो आता है ना, हाँ, चुनना, वो तो उसका फार्मूला बनता है, उस हिसाब से इसको रेडी करते हैं। इसमें ट्रीटमेंट में क्या क्या है जरा समझाइए मुझे। ये है उसका जैसे कि पीठ में कीड़े, खुजली, दाँत धब्बा, उसके लिए है हाई टेक। अच्छा, और ये है जैसे कि दूध कम है, जो कमज़ोर है उसको, इसको देते हैं। ये किसको देते हो? ये मेल फीमेल दोनों को देते हैं, ज़्यादातर मादा को देते हैं, जब बच्चा देने का पारी आता है ना उस समय देते हैं इसको। ओके, और कुछ है? और इसको देते हैं जो इसको खरगोश को, क्या चीज़ है ये? मतलब स्टेमिनियर। अच्छा, जो इसको देते हैं ना, तो जो उसका बाल है, हाँ, वो ना उखड़ जाता, इसको नहलाने की जरूरत नहीं पड़ता, इसको देते हैं तो। क्या बताया इसको? स्टेमिलर। अच्छा, बाल साफ हो जाता है, मतलब नहलाने की जरूरत नहीं पड़ती है, ठीक है। ओके, और टीका वगैरह भी है क्या इसमें? नहीं, टीका वीका नहीं, जो भी है ये सर्दी बुखार का, सर्दी बुखार का भी दवाई है, ठीक है। क्या क्या दवाई है सर्दी बुखार का, कुछ है आइडिया? हाँ, ना डेक्सामाइसिन, टेक्सामाइसिन, ये सर्दी और बुखार का है। कितना कितना डोज देते हो, कैसे कैसे देते हो? इसे 5 ml, 5 ml, हाँ, जो बड़ा है उसको, हाँ, और जो छोटा है ना उसको कम देते हैं, कम देते हैं, ठीक है। तो ये सारी ट्रेनिंग पे जानकारी मिली है क्या? हाँ, ट्रेनिंग कहाँ पे लिए थे ट्रेनिंग? हमारे फार्म ही में दिए थे ना वो, कंपनी वालों ने दिया था। हाँ, पहले वो बुलाए थे राजस्थान, फिर लॉकडाउन हो गया ना, हाँ, तो माल जब छोड़ने आना उसी दिन दिए सर ट्रेनिंग को, उसी दिन ट्रेनिंग दिए हैं, ठीक है। ओके, अच्छा ये बनाने का तरीका मुझे ज़रा समझाइए। ये तो पतला जाली है जिससे बना है, ऊपर 10 mm का सरिया है जिसपे ये स्टॉप है, खड़ा है ना, और ये कहाँ से लिए? ये सब कंपनी ने दिया, कंपनी ने, ठीक है, कंपनी ने ये सब दिया है, हाँ, और इससे ये सब लेके बनाए हैं। इसने तकरीबन कितना खर्चा किए होगे? नहीं, और तो कंपनी का है, हाँ, इस सब ना जो पूरा कंपनी यूनिट, हाँ, पे दी है, हाँ, तो कंपनी को आपने कितना पेट किया है जब आपने शुरुआत किया था तब? मैं इसको 70 खरगोश मंगाया था, मेरा बजट कम था तो, हाँ, तो इसका मैं 210,000 दिया हूँ। 70 खरगोश आपने 210,000 से चालू किया है, हाँ, पैसा भी रिकवरी पे आया है कि नहीं आया है? अभी मतलब 1-2 लाख निकलेगा, फिर आ जाएगा, 1-2 लाख निकलेगा, फिर पैसा मूलधन तक आ जाएगा, ठीक है। इसमें और क्या प्रॉब्लम आता है, और कोई प्रॉब्लम आता है? नहीं, प्रॉब्लम तो ऐसे नहीं है, थोड़ा शुरू में था, हाँ, वो बच्चा जो
खत्म हो आई, अब तो उसका दिक्कत नहीं। कोई मौसम में दिक्कत है? किसी मौसम में नहीं, मौसम का दिक्कत नहीं, क्योंकि ये तो 40 में है ना। हाँ, कोई दिक्कत नहीं आता मौसम नहीं। का ठीक है, ठीक है। अभी नीचे पे और है, पहले नीचे पे चलते हैं, उसके बाद हाइड्रोपोनिक तक चलेंगे। आओ नीचे। और यहाँ पे हम लोग नीचे आ गए हैं, नीचे जगह की थोड़ी कमी है, इसलिए हमारा कैमरामैन हरीश ऊपर है और साथ में प्रफुल्ल सारवा जी है, जिनकी खातिरदारी पर हम ये कुरुद ब्लॉक कवर कर रहे हैं, और ये भाई साहब ऑनर हैं। तो ये नीचे का सेटअप है, इसमें कुछ गंद वगैरह भी आती है कि क्या है? नहीं, गंद वन तो नहीं आता, दिक्कत नहीं है, एडजस्ट चलता है, एडजस्ट चलता है, तो मैनेज हो जाता है। खुले पे ज़्यादा अच्छा रहता होगा, खुला रूम रहा तो है ना। ये जैसे हम देख रहे हैं, ये सबको कितने कितने में अगर आप खुले मार्केट में बेचोगे तो बेचोगे? इसको तो जैसे कि लेगा कंपनी से तो हाई रेट में दे दूंगा। अच्छा, नहीं कंपनी नहीं, मान लो कोई खुला लेता है तो? नहीं, ऐसे किलो पे बेचेंगे, किलो पे रेट जो बताए हैं कितना, 300 बताया इसका जी? 300 के आसपास बेचेंगे, ठीक है। और इन पे कोई प्रॉब्लम नहीं आता है, बीमारी संबंधी कोई दिक्कत नहीं है इस पे? नहीं, जो भी आता है वही सर्दी खांसी बुखार। तो बुखार हो जाते तो कैसे जानता जी? बुखार को ऊपर करके ऐसे हाँपते हैं तो पता चल जाता है बुखार। तो थर्मामीटर का लगाते हैं का? नहीं, अभी थर्मामीटर का जरूरत ही नहीं पड़ा है मेरे को, जरूरत ही नहीं पड़ा है। आप हमको एक चीज़ बताइए, इनके रख रखाव पे यानी मेंटेनेंस में महीने में कितना खर्च करते होंगे एक माह में? इसमें एक माह में 10,000 के आसपास आ जाते हैं। एक दिन में ना इतना खरगोश 10 से 15 किलो खाता है दाना, और 10 से 15 किलो हरा चारा। एक दिन में एक खरगोश 70 ग्राम खाता है। अच्छा। जो माई है वो, और जो पीला है ना ये वाला, वो कम खाते हैं वो। अच्छा, माई है मतलब मादा है, पीला है मतलब बच्चा है, ये इतना इतना खाते हैं। हाँ। ठीक है, तो टोटल खर्चा कितना हो जाता है इतने खरगोश पे? एक दिन में 250-350 ₹250-300 एक दिन पे खर्चा हो जाता है, ये कहना है भाई साहब का। इसके अलावा ये हम देख रहे हैं खूबसूरत खरगोश, और हमारा कैमरामैन तो आगे बढ़ नहीं पाएगा, जगह बहुत शॉर्टेज है, और एक के बाद एक रखा हुआ है इस, और उधर भी रखा हुआ है बाजू पे, है ना। तो हरा चारा कितने बजे देते हैं इनको? इसको शाम के 6 बजे से 7 बजे के बीच में, 6 से 7 बजे के बीच में। इसमें क्या रखे हैं आप? ये बच्चा है, जरा निकाल के दिखा पाएंगे कहीं है क्या ओपनिंग? हाँ, इधर है ना। हाँ, दिखाओ कहाँ पे भाई, बच्चे कहाँ हैं ये दिखाओ, जगह बहुत शॉर्टेज है, कोई बात नहीं। हाँ, ये दिखा रहे हैं बच्चों को, ये है 10 दिन का, 7 से 10 दिन का। अब इसको सेल कितने दिन में करते हैं? ये 30 दिन के बाद हो जाता है, जो खाने लायक हो जाता। अभी दूध पीती हैं? हाँ, ठीक है, दूध पीती है ना। हाँ। ये दाना कब चुगने लगती हैं? ये 30 दिन बाद, मतलब 25 से 30 दिन में, जब दाना खाने लगता है तब सेल पे आता है। जैसे कि अभी इसमें है 5 से 5 बच्चा है। हाँ। तो ये ना आराम से 20 से 22 दिन में दाना खाने लगे, जैसे कि उसमें है 9 है। हाँ। तो वो थोड़ा लेट से बढ़ेगा। अच्छा, खरगोश फार्मिंग पे एक चीज और मुझे समझाओ, खरगोश कितने दिन में बच्चा देता है? जैसे कि आज क्रॉस करवाओगे ना तो 30 दिन में बच्चा देता है, 30 दिन में। आज क्रॉस कराएंगे 30 दिन में बच्चा देता है। हाँ। कितना बच्चा देता है? और 2 से 12 मतलब 2 भी देगा 4 भी देगा। हाँ। लास्ट अब 12 है मेरे में, मतलब लास्ट ना 11 बच्चे को दिए है माता एक जन्म। अच्छा, ठीक, तो इस तरीके से देती है। तो ये तो कोरी खैर खा लड़का हो गया ना, बहुत लड़का हो जाता होगा, बहुत बच्चा हो जाता होगा। अच्छा, मतलब जैसे कम से चालू करोगे तो भी फार्म भर जाएगा बहुत जल्दी। अच्छा, ठीक है। और जैसे कोई आज पैदा हुआ, वो उसको कितने दिन में क्रॉस कराते हो? क्रॉस कराने लायक कब हो जाता है वो? 4 से 5 माह में। 4 से 5 माह रखना पड़ता है तब क्रॉस कराने लायक होता है। हाँ। ठीक, इस तरीके से है। तो इसमें अभी फ़ायदा अच्छा लग रहा है? हाँ, फ़ायदा लग रहा है, सेटिस्फाइड है पूरा इसमें। अच्छा, ठीक। तो इस तरीके से भाई साहब नौजवान है, और इस तरीके से इन्होंने धंधा चालू किया है खरगोश फार्मिंग का, और हमने खाने पीने से लेकर मेडिसिन पर यहाँ पे बात की। अभी हम हाइड्रोपोनिक चारा दिखाते हैं, जो इसका हरा चारा है जो खाती है ना। तो चलिए इसका हाइड्रोपोनिक चारा हमको दिखाइए। तो खरगोश के साथ, खरगोश के लिए जो ये हाइड्रोपोनिक चारा बनाते हैं वो भी हम समझते हैं, कैसे कैसे बनाते हैं जरा प्रोसेस को हमको समझा। ये पहला दिन में 24 घंटे इसमें पानी में डुबोते हैं इसको, ये मक्का को। हाँ, मक्का को। अच्छा, और 24 दिन निकालने के बाद ना उसको, 24 घंटे के बाद निकालने के बाद, 24 घंटे निकालने के बाद ना इसको बोरा में
इसमें डालते हैं तो ये आता है जरी, जरी आ गया है ना, यानी कि निकल गया, अंकुर निकल गया है ना। उसके बाद अब क्या करें, टोपली मन में, टोपली में डालेंगे, इसके टोपली में डाल दिया इसको, ठीक है। हाँ। वो जराई कितना दिन में आता है, यानी अंकुर कितना दिन में निकलता है, मतलब वहाँ से निकालने के बाद ना 24 घंटे से 48 घंटे में आ जाता है। तो 24 घंटा वहाँ हो गया, 24 घंटा यहाँ हो गया, टोटल 48 घंटा पे वो आ गया। हाँ। ठीक है, अब इसको इसमें डाल दिए, ठीक है। इसमें डालने के बाद क्या होगा, ये इधर जैसे उगा हुआ है ना। हाँ, इसको सिर्फ इसमें पानी बस डालना है, उसके बाद कुछ नहीं डालना है, पानी डालना है। अभी पानी डाला हुआ कोई है, दिखाओ जरा मेरे को। नहीं, वो पानी तो पी लेते हैं ना ये, ठीक है। तो ऐसा उग जाएगा, ये कितने कितने दिन का है, ये 10 से 12 दिन का, 10 से 12 दिन पे ऐसा उग गया है, 10 दिन का ये। अब इसको खरगोश को खिलाते कैसे ये बताओ तो। इसको लेकर ऐसे टुकड़ों में, हाँ हाँ ऐसे उसको सीधा दे देते हो, कि सीधा दे देते हो, इसके सहित खा जाता है क्या वो? हाँ, सब सहित खा जाता है। हाँ, तो इसका फीडर बॉक्स में डाल देते, फिर वो खा जाते हैं सभी, फिर ये प्रोसेस को फिर करते हो। हाँ, फिर खा जाता है, जो टहना पानी में वो टहरा ही रहता है, फिर वो निकलेगा, उसके बाद फिर दूसरा आ जाएगा। हाँ, वो तो ये प्रोसेस कंटिन्यू एक एक डब्बा से चलते रहेगा, यहाँ हाँ। से लेके उसमें जाएगा, उसमें से इसमें आएगा, और इसमें से फिर यहाँ आएगा, और यहाँ से फिर उसको चला जाएगा। हाँ। इस तरीके से बनाते हैं। बनाने का प्रोसेस भाई साहब ने बता दिया, ये कितना दिन हो गया इसको बोले, 8 दिन, 8 दिन 10 दिन ये तैयार हो जाता है, और इसको फिर खिलाते हैं। इस तरीके से हाइड्रोपोनिक चारा करते हैं। तो भाई साहब का आपने खरगोश का फार्म भी देखा और हाइड्रोपोनिक चारा भी करते हैं। एड्रेस को एक बार क्लियर करो, ये गांव कौन सा है, गोजी, गोजी है, तहसील कुरुद है, और ये बिल्कुल राजिम और कुरुद रोड के पास से ही कट के गोजी आप आ सकते हैं। चिवरी के पास है, सिर्री के पास ये गाँव है, सिर्री स्टेशन के पास ये गाँव है, और धमतरी जिला है, कुरुद तहसील है। धन्यवाद, मैं ओम प्रकाश अवसर। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो लाइक कर ले, धन्यवाद।